क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद अंसार है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जी, और तमाम लोग 22 तारीख को जो है सो उसका उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, जा सकते हैं, वो राम मंदिर हो रहा है, वो धर्म का बारे में हो रहा है, जा सकते हैं। आप लोग को कोई उसमें कोई एतराज नहीं, अच्छा वाला काम है वो कर रहा है। हम मस्जिद का दिन करेगा तो हम भी कोई जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग का कोई दीदा नहीं। आपका नाम क्या हुआ सर? जा सकते हैं। क्या सोचते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है? ना, वो अपना धर्म है, वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। धर्म का बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अपना धर्म ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपने जो हम अपना धर्म अपना ठीक है, उसका धर्म उसका ठीक है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं सर? सबका धर्म सबका अच्छा है, अपना अपना धर्म। आप लोग जाएंगे अयोध्या? अयोध्या तो हम लोग नहीं जा सकेंगे, हम लोग बस टाइम रहेगा तब ना जाएंगे। मतलब खुश हैं, बहुत सारे लोग नफरत का द्वेष फैलाते हैं। नहीं नहीं सब अच्छा है, जो काम अपना अपना धर्म सबका है। अच्छा, मतलब आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज है। चलिए, बहुत सारे लोग से पूछेंगे, जाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, क्या सोचते हैं भगवान राम को लेकर के, क्योंकि 22 तारीख को हम सभी के आराध्य जो है सो का मंदिर बन करके उद्घाटन किया जा रहा है माननीय मोदी के द्वारा। देखिए, 22 जनवरी 2024 इतिहास में तो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो राम भगवान है उन्हीं का कहीं ना कहीं हम लोग वंशज हैं, और कई पीढ़ियों के बाद 400-500 सालों के बाद हमारे जो देश है और अयोध्या में उनका उद्घाटन किया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग कहीं ना कहीं राज का ही ये राम जो श्री राम भगवान है उन्हीं का हम लोग वंशज हैं। आपको पता होना चाहिए कि राम भगवान के दो पुत्र थे, लव और कुश, और कहीं ना कहीं हम लोग कुश का ही वंशज हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस प्रकार जब राजा दशरथ के जो पुत्र थे और उनमें से एक राम भी थे, और राम को 14 साल का वनवास भेज दिया जाता है, अब वनवास से जब वो वापस आते हैं तो हम लोग पूरा देश में दिवाली मनाते हैं। तो उसी तरह जो 22 जनवरी 2024 सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारे देश में जो पूर्वजों करके गए हैं उनका यहाँ पे फिर से राम मंदिर का उद्घाटन है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग जो है सो मतलब मन में दिमाग में दिल में खटकता है कि वहाँ बाबरी मस्जिद था तो ये था तो वो था, तो उन लोग जो गलत सोचते हैं भगवान राम के प्रति, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आप लोग भी इतिहास पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि राम मंदिर, राम को कौन नहीं जानता है, उनका अयोध्या में सब कुछ है, उनके पूरा पूर्वज थे। क्या आप लोग भगवान दशरथ को नहीं जानते हैं? जानते हैं, उन्हीं का तो पुत्र थे। तो राम का कहीं ना कहीं वहाँ पे है, वो पूरे राज्य में राम ने रावण को मारा, सब कुछ जानते हैं। उन्हीं का विजय के क्रम में हम लोग दुर्गा पूजा में विजय दशमी मनाते हैं, यानी कि सच्चाई की जीत के लिए हम लोग विजय दशमी मनाते हैं, हम लोग मनाते आ रहे हैं कहीं ना कहीं 500-600 साल पुराना जो इतिहास रहा है। तो राम मंदिर है और राम भगवान थे और हैं, और हम लोग राम का वंशज भी हैं। अच्छा, राम भगवान जो हैं, तंबू से अब इतने बड़े मंदिर में जो है सो स्थापना की जा रही है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी साक्ष्य होंगे, अलग अलग देश के प्रसिद्ध लोग वहाँ पे जाएंगे, ऐसे में क्या लगता है कि जो कौम है हमारे देश में, एक जो वर्ग है हमारे देश में, वो लोग नाखुश लगते हैं, क्योंकि उनका वहाँ भी आराध्य, मतलब बोलते हैं कि हम लोग का, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का आराध्य थे हैं मस्जिद के तौर पर, तो ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारत जो है वो सभी जाति और सभी धर्म के लिए है, ये केवल राम जी के लिए ही नहीं है, हम लोग तो राम के वंशज हैं। आप लोग देखिए, अमृतसर में उतना बड़ा बना हुआ है आपका गोल्डन टेम्पल, क्या हमने उसे कभी बुराई किया? पंजाबियों के लिए भी तो बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, और राम भगवान ये पूरा इतिहास जानता है, पूरे हमारे देश के साथ में जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी लोग जानते हैं, इसको स्टडी भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि 22 तारीख को हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप लोग भगवान राम के मतलब बताएं कि हम लोग वंशज हैं, कैसे वंशज हुए और किस कौम को लेकर अपने आप को दर्शाते हैं कि हम लोग भगवान राम का वंशज है? देखिए, आपको पहले बता दिए कि हम लोग जो राम के जो दो पुत्र थे लव कुश, तो हम लोग कुश का ही वंशज हैं, हम लोग
अपने राज्य में क्या, पूरे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं, पूरे राज्य में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं दिवाली भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, तो हम लोग मनाते आ रहे हैं। अच्छा, मंदिर से विकास होगा? मंदिर से विकास विकास तो होगा, क्यों नहीं विकास होगा। वहाँ पे जितने भी अस्थाई लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सबको कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। बहुत सारे अभी जो हमारे जो पड़ोसी देश के लोग आने वाले हैं, जो मतलब कि आपका जो चीफ गेस्ट के रूप में तो आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भुलाया हुआ था वो आज उसका उद्घाटन होने वाला था, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे रोजगार भी मिलेगा, अगर कहीं पर्यटन स्थल खुलता है या कहीं पे मंदिर बनता है या कहीं पे कुछ और भी बनता है, तो वहाँ पे सब कुछ होता है। बहुत सारे वहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो छोटे छोटे लोगों का रोजगार भी मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो राज्य है, देश है, कहीं ना कहीं इससे विकसित तो जरूर होगा। अच्छा, अंतिम में 22 तारीख को लेकर के क्या कुछ कहिएगा, आप अयोध्या जाएंगे क्या, मौका मिलेगा तो? देखिए, मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी वैसे प्लान नहीं है। और ये अच्छा, 22 तारीख को दिया जलाना चाहिए पूरे देशवासियों को? हाँ, दिया जलाएंगे, और पूरे देश पूरा राज्य में दिया जलेगा उस दिन। और एक जैसे बोलते हैं ना, दिवाली में केवल पूरा देश में जगमगाता है, उसी तरह 22 जनवरी को भी पूरा देश में, पूरा राज्य में दिया जगमगाएगा भगवान राम के नाम पर। हाँ, भगवान राम के नाम पर। चलिए, आप क्या सोचते हैं प्रभु श्री भगवान राम को लेकर के, क्योंकि 22 तारीख को प्रभु श्री राम जो है सो एक झोपड़ी से, त्रिपाल की तंबू से उठ करके भगवान का मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें 22 तारीख के इस शुभ घड़ी के बारे में, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, और एक एक दिया जरूर जलाएं भगवान राम के नाम पर। नमस्कार, जय हिंद।